1854 में आज के ही दिन टेलीफोन उपकरण बनाने वाले और डिवाइस पर सबसे पहले आवाज सुनने वाले थॉमस ए वॉटसन का जन्म अमेरिका के मैसाचुसेट्स में हुआ था। 1936 में इसी दिन अंग्रेजी पत्रकार, लघु कथा लेखक, कवि और उपन्यासकार जोसेफ रुडियार्ड किपलिंग का निधन लंदन में हुआ था। 1907 में 42 वर्ष की आयु में उन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1947 में आज ही के दिन भारतीय गायक और अभिनेता कुंदन लाल सहगल का निधन पंजाब के जालंधर में हुआ था। 2003 में हिंदी साहित्य के मशहूर कवियों में से एक और प्रसिद्ध कीर्ति मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन का निधन मुंबई में हुआ था। उन्हें 1976 में हिंदी साहित्य में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।